आज हम पहुंचे हैं गुजरात के वेलावदर नेशनल पार्क। भावनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये मशहूर है अपने बड़े घास के मैदानों के लिए। यहाँ विचरते हैं देश के सबसे खूबसूरत हिरण ब्लैकबक यानी कृष्ण मृग। कभी ये पूरे भारत में मिलते थे लेकिन अब ये गिनी चुनी जगहों पर ही बचे हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर 36 वर्ग किलोमीटर में फैला वेलावदर नेशनल पार्क। सुबह की धूप ने वेलावदर के घास के मैदानों को सुनहरे रंग में रंग दिया है। देश में शायद ये अनोखी जगह है जहां काले हिरणों के इतने बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। ऊंचे तीखे घुमावदार सींगों से सुसज्जित इन रोबीले नरों की शान ही निराली है। सींग आपसी लड़ाइयों में प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने और पछाड़ने में काम आते हैं, पर ये उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। कभी ये इलाका भावनगर रियासत का हिस्सा था जहां से शाही अस्तबल और गौशाला के लिए चारा जाता था। खास मौकों पर भावनगर महाराज और उनके मेहमान यहां बड़े सींगों वाले कृष्ण मृग का शिकार करते थे। जितने बड़े सींग वाला शिकार उतना ही बड़ा शिकारी का रुतबा। इस होड़ में मरते काले हिरण 8000 से घटते घटते 1966 तक सिर्फ 200 रह गए। 1976 में वेलावदर को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया जिससे काले हिरणों के साथ साथ नीलगाय और उनके परभक्षियों को भी संरक्षण मिला। हल्की सी हलचल देखते ही कुलांचे लगाने वाले ये हिरण नजर और रफ्तार के मामले में बेमिसाल हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ने वाले इस हिरण का शिकार पुराने समय में राजा महाराजा पालतू चीतों से करते थे। वैसे वेलावदर में जंगली बिलाव के तो दर्शन हो ही जाते हैं। शाम को हम निकल गए उस दलदली इलाके की ओर जहां हर रोज हजारों कुर्च डेरा डालते हैं। दिन भर खेतों में चुगने के बाद इनकी छोटी छोटी टोलियां यहां जुट रही हैं। 4 बजे हैं लेकिन धूप झुलसाने वाली है। क्लोज शॉट लेना मुश्किल है। मृग मरीचिका के चलते आकृतियां डोलती सी लगती हैं। हमें इंतजार है सूरज ढलने से पहले के उस सुनहरी वक्त का जिसे फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। परफेक्ट लाइटिंग, एनिमल्स आर इन हंड्रेड्स एंड देन यू हैव ऊपर फ्लाइट में भी बर्ड्स हैं, नील गाय चली जा रही हैं, ब्लैक बक चले जा रहे हैं, मास्टरपीस। शाही अस्तबल भले ही ना रहे हों लेकिन वेलावदर चारे का एक बड़ा भंडार आज भी है। समतल खुले मैदानों वाले इस अभयारण्य को एक मौसम में समझना मुश्किल है, इसलिए हमने इसका एक दौरा बरसात में भी किया। तब यहां का नजारा ही अलग था। पार्क में सूखी जगह पर झुंड आराम कर रहा है। कई हिरणियां ब्याहने वाली हैं। काले हिरणों में प्रजनन साल भर चलता है। ये मिले जुले झुंडों में रहते हैं। नर का डील डॉल काला रंग, सींगों का आकार और ऊंचाई झुंड में उसकी पहचान बनाते हैं।
इनका अपना एक हरम होता है। हिरणियों को रिझाता और पड़ोसी नरों को चुनौती देता ये हिरण अपना रुतबा जता रहा है। अपने इलाके की निशानदेही के लिए ये खासा फिक्रमंद है, लेकिन शायद इतना ही काफी नहीं। आंख के नीचे की ग्रंथियों से रिसते द्रव की गंध का ये इस्तेमाल इलाके पर मुहर लगाने जैसा है। ऐसे घुसपैठिए को भला कौन बर्दाश्त करेगा? घुसपैठिया तो भाग खड़ा हुआ। शान से जीत को दर्शाता ये नर मस्तानी चाल में झुंड का रुख करता है। इसे अपने हरम की हिरणियों को भी घेर कर रखना है। आजकल चारों तरफ चारे की कोई कमी नहीं। ये आमतौर पर सुबह और शाम के ठंडे वक्त चरते हैं। दिन में एक हिरण 3-4 किलो चारा खा लेता है। हरा पौष्टिक चारा हिरणियों की संतान को भी स्वस्थ बनाएगा। नील गाय का ये बच्चा रात पैदा हुआ होगा। मां को ऐसे में बहुत चौकन्ना रहना है, जिससे यह आसानी से भेड़िए या सियार का शिकार न बन जाए। दुनिया से 90% घास के मैदान खत्म हो चुके हैं। ऐसे में घासों पर आश्रित जीव जंतुओं के लिए खतरा मंडरा रहा है, पर वेलावदर के मैदान इनके लिए स्वर्ग हैं। ऐसे ही एक दुर्लभ पक्षी लेसर फ्लोरिकन यानी घास के मोर प्रजनन के लिए यहां आते हैं। ये लुप्त होने की कगार पर हैं और दुनिया में आज 2000 से भी कम बचे हैं। पक्षी जगत में नर फ्लोरिकन मादा को रिझाने के अपने अनोखे प्रदर्शन के लिए मशहूर है। इसी के फिल्मांकन के लिए राजेश कई दिनों से घूम रहे हैं। ये छोटा सा जीव बड़ी बड़ी घास में कब और कहां प्रदर्शन करेगा, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है। अल्लाह रखा फॉरेस्ट गाइड की मदद से एक संभावित जगह पर राजेश हाइट बैठा रहे हैं। आखिर किस्मत ने साथ दिया। करीब 100 मीटर दूर एक नर नजर आया। नर अपना एक इलाका चुन लेते हैं और फिर शुरू होता है मादा को रिझाने का खूबसूरत प्रदर्शन। मादाओं के लिए होड़ तेज है। नर 2 मीटर ऊपर उछलकर आवाज करता हुआ नीचे आता है। इस नर को यह जलवा एक दिन में 500 बार दिखाना पड़ सकता है। इंद्रदेव मेहरबान है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हिरणों में गिना जाने वाला कृष्ण मृग भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा है। यह विशुद्ध भारतीय जीव पुराणों और संस्कृत साहित्य के अलावा कला जगत में भी खूब सराहा गया है। हमारे पुराणों में काले हिरण को पवित्र माना गया है। कई समुदाय इसके दर्शन मात्र को ही शुभ मानते हैं। ऐसे खूबसूरत दृश्य इससे पहले शायद आपने सिर्फ पेंटिंग्स में देखे होंगे। इस साल बारिश उम्मीद से ज्यादा है। चारों तरफ खेत जलमग्न है। फसल की तबाही है। ये सब देखकर हमें फिक्र है फ्लोरिकन के घोंसले की, जिसे अल्लाह रखा ने कुछ दिन पहले देखा था। ये पक्षी बहुत समझदार है। पानी से बचने के लिए इसने घोंसला खेत की मेड़ पर बनाया है। मादा के मटमैले रंग ने उसे घास पत्तों में पूरी तरह छिपा रखा है। इस खूबी पर इसे इतना भरोसा है कि हमारे एकदम पास पहुंचने पर भी
इसने घोंसला नहीं छोड़ा। हमें तसल्ली हुई कि उसके अंडे सही सलामत हैं। बारिश तेज हो रही है, लेकिन अब हमें अपने कैमरों को बचाने की फिक्र है। बरसात का हमारा ये सफर यादगार रहा। पॉप हटने से पहले ही कुर्च अपना रैन बसेरा छोड़ चुगने निकल रहे हैं। दूर दूर तक फैले घास के सुनहरे मैदान, बलूनिंग फोटोग्राफी के ऐसे बेहतरीन मौके देती है जो किसी मचान या हेलीकॉप्टर से नहीं मिलते। हमें खुशी है कि वेलावदर के घास के मैदानों में आज 3,500 से ज्यादा कृष्ण मृग हैं। यहां मिला संरक्षण वन विभाग का सराहनीय कदम है और इनके दीर्घकालीन अस्तित्व की आशा जगाता है। तेज हवा ने हमें केवल 18 मिनट में ही पार्क से बाहर कर दिया। देखते देखते घास के मैदानों की जगह बंजर जमीन नजर आने लगी।